अब कामयाबी के जो तीन बेसिक फार्मूले हैं ना, जो छोटे छोटे जो मुख्तलिफ लोगों पे रिसर्च करने के बाद भाई बताया गया कि ये तीन काम होते हैं, उन तीनों कामों में से एक रोल मॉडल का होता है। रोल मॉडल वाले को हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम तीन कामों को जानते हैं। पहला जो सारा काम होता है वो इस बेस पर होता है कि आप कितने मेहनती हैं। क्या हैं? मेहनती। अब कौन कहता है कि वो मेहनत करेगा कामयाब नहीं होगा? जाहिर है सबको पता है मेहनत करेंगे तो कामयाबी मिलेगी, ये तो पहला है। यानी कि आप हार्ड वर्क करते हैं 24 घंटे दिन के, यानी हर जगह आप लगे होते हैं, आपके दिमाग में आपका विजन चल रहा होता है। तो ये क्या है, पहला टूल हो गया ना। दूसरा टूल क्या होता है, वाकया। क्या होता है? मैं यहाँ खड़े होकर पढ़ा के आज चला जाऊंगा ना आधे घंटे के बाद, तो क्या पता आप में से यहाँ कोई हो और उसके साथ वो कहे यार मेरी तो सोच ही बदल गई, ओ माय गॉड दुनिया तो ऐसी है, तो क्या वाकया हो गया, क्या ख्याल है उसकी जिंदगी बदलेगी। ये दूसरा हो गया पॉइंट। पहला क्या है, मेहनत। कि बाज़ औक़ात आप अल्लाह ना करे ऐसे हालात में पैदा होते हैं कि आपको पता है कि मेहनत के बगैर सर्वाइवल नहीं है। मिसाल के तौर पे आप कहीं जा रहे हैं और आप जो है ना एक समंदर किश्ती में, और किश्ती डूबने लग जाए, आपको पता है सर्वाइवल क्या है मेरे लिए, मेहनत ही, मुझे कुछ करना पड़ेगा, इधर मेरे लिए कोई नहीं आएगा। समझ आई? इधर मेरे लिए कोई भी नहीं आएगा तो मुझे खुद से कुछ करना है, तो मेहनत करोगे ना उस टाइम सर्वाइव करने के लिए। तो क्या पहला क्या है, मेहनत। कब? जब आपके पास ऐसे हालात आ जाएं कि अब आपको पता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, ये जो वक्त मुझे मिला है मैट्रिक का ये दोबारा थोड़ी आएगा, ऐसे ही है ना, या दोबारा आएगा नहीं आएगा ना, तो बस ये सर्वाइवल वाली, ये तो या तो मेहनत करोगे या तो कोई वाकया ऐसा हो जाए। अच्छा तीसरा बता रहा हूँ टूल सक्सेस का, तीसरा टूल होता है कि कोई इंस्पिरेशन मिल जाए। क्या मिल जाए? इंस्पिरेशन। इसकी कहानी सुनाता हूँ आपको, कायद आजम की। कायद आजम यहाँ से गए थे लंदन ना बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ने। क्या पढ़ने? 17 साल की उम्र थी, आप लोगों की मैक्सिमम ऐसा ही होगी, 17 साल उनकी उम्र थी। तो वो वहाँ से गुजर रहे थे और जाते जाते उन्होंने देखा जी एक पार्क के अंदर एक बंदा खड़ा है, एक लीडर है किसी उधर के उस जगह का, और वो तकरीर कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि जी ये करना है वो करना है ये करना है वो करना है। एकदम लीडर था, उन्होंने उसको देखा, उन्होंने कहा ओ माई गॉड मेरी इंस्पिरेशन तो ये बंदा है। पढ़ने क्या गए थे? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और पढ़ाई पता क्या की? वकालत की। वकालत की पढ़ाई की, और वहां रहकर जितने भी दुनिया के सबसे बड़े बड़े लीडर थे ना, तमाम की लाइफ को स्टडी किया कि भाई मैं अपनी इंस्पिरेशन किसको बनाऊं। और सोचो कि वो एक वाक्या या एक इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा थी, इतनी जबरदस्त थी, कि जब वो वापस आया इंडो पार्क, उसने पाकिस्तान तो नहीं था, इंडिया पाकिस्तान मिलकर क्या बनता था, इंडो पार्क, तो पूरी इंडो पार्क में सबसे कम उम्र कामयाब वकील बने। सवाल है ना कैसे बन गए? वो एक वाकया और वो एक इंस्पिरेशन, कि किसी को देख लिया। और फिर देखो, अच्छा ये तब की बात है जब पाकिस्तान बनने की बात भी नहीं हुई थी, यानी किसी ने ये नहीं सोचा था कि पाकिस्तान बनेगा, उन्होंने ये नहीं खड़े होकर सोचा कि मैं जाके पाकिस्तान बनाऊंगा, नहीं, उन्होंने बोला ये खड़े होकर यूं लीडर बन सकते तो मैं भी बन सकता हूँ। पाकिस्तान वाली बात तो बाद में आई, फिर उन्होंने जाके पाकिस्तान बनाया, देखो आज बना दिया ना पाकिस्तान। तो यानी तीसरा क्या है, रोल मॉडल या इंस्पिरेशन का होना। अच्छा रिसर्च बताती है कि इन सक्सेस के जो तीन टूल है, हार्डवर्क, और आज की जनरेशन हार्डवर्क नहीं करती, सबको पता है, ऐसा ही है ना, ऐसा ही है, मान लो भाई अब तो स्मार्टफोन का दौर है ना, तो कौन हार्डवर्क करेगा पहला टूल तो चलो इससे हम आपको निकालते हैं। दूसरा टूल क्या था, कि कोई वाकया हो जाए। अब मैं अब आपको कहाँ जाके रेगिस्तानों में फेंक दूं और बोलूं किताबें देके पढ़ो, वाकई आपके साथ पेश में करवाऊं, ऐसा तो नहीं करवा सकता, क्या ख्याल है? तीसरा टूल क्या हो गया, रोल मॉडल का, इंस्पिरेशन का। ये तो आसान है ना, ये तो आसान है कि नहीं? तो रिसर्च बताती है कि ये जो तीसरे थे ना लोग जिनके पास कोई रोल मॉडल था, इनके लिए सक्सेस आसान हो गई, क्योंकि इनको पता चल गया ना उसको देख करके मुझे पहुंचना यहां से लेकर वहां तक है बस, और ये जैसे पहुंचा है मैं भी पहुंच सकता हूं। समझ रहे हो बात को, क्लिक की बात? तो तीसरा क्या टूल है, रोल मॉडल।